start series 4. Question number 31. Her mother told him that it would be more better if he would do his work himself. तो कौन से पार्ट में आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2. यहां पे आंसर है इस पार्ट में. रीजन क्या है? यूज ऑफ मोर बेटर वुड मेक द सेंटेंस डबल कंपैरेटिव. तो मोर के साथ बेटर नहीं आएगा, तो कहां आंसर क्या आएगा? इट वुड बी बेटर इफ ही वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ. नेक्स्ट, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय ए न्यू प्रिंटिंग मशीन. राइट आंसर ऑप्शन 2. क्यों है ये? सम की जगह पे, यहां पे सम की जगह पे एनी आएगा, क्योंकि एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. सम कहां पे यूज होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में. सो ही डज नॉट हैव एनी मनी. राइट आंसर. नेक्स्ट, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव. राइट आंसर इज ऑप्शन 2. इस पार्ट में आंसर है इज बिकमिंग में. क्यों है? इज की जगह पे क्या आएगा? आर आएगा. ऑल्दो पुलिस हमें सिंगुलर लगता है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल है. द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव. ये है राइट आंसर. शी हैज बॉट ए डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स. आंसर कौन से पार्ट में है? ऑप्शन 2. ए डजन ऑफ कॉपीज में आंसर है. क्यों है? जहां तो आएगा ए डजन कॉपीज, जाएगा डजन्स ऑफ कॉपीज. ए डजन ऑफ नहीं आएगा यहां पे. शी हैज बॉट ए डजन कॉपीज, जहां क्या आएगा? शी हैज बॉट डजन्स ऑफ कॉपीज. नेक्स्ट, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी. राइट आंसर ऑप्शन 1. यहां पे फोर्स की जगह पे क्या आएगा? फोर्सेस आएगा. कुछ नोन्स का सिंगुलर में कुछ मीनिंग होता है, प्लूरल में कुछ मीनिंग होता है. जैसे फोर्स का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ. और फोर्सेस का मतलब क्या है? आर्मी. इंडियन फोर्सेस राइट आंसर है. नेक्स्ट, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ अक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड. राइट आंसर ऑप्शन 3. क्यों है? आयरन्स आएगा यहां पे, आयरन नहीं आएगा. आयरन्स डिनोट चेन्स. So chains of accused should be removed. Next, the price of production in the industrial sector has gone up. Right answer है option 1. Price की जगह पे क्या आएगा? Cost. Price और cost confusion create करते हैं. तो याद रखना है, price होता है जो customer pay करता है, और cost होता है जो manufacturer pay करता है. तो अब प्रोडक्शन की कॉस्ट है, तो मैन्युफैक्चरर पे करेगा, तो यहां पे क्या आएगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोरी. राइट आंसर ऑप्शन 1. वो केस यहां पे नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जैसे कि वूम आता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो यहां पे क्या आना है? वुमेन आफ्टर वुमेन. नेक्स्ट, आई लाइक योर सजेशन एंड नो बॉडीज एल्स. राइट आंसर ऑप्शन 4. क्यों है ये? नो बॉडीज एल्स की जगह पे नो बॉडी एल्स. पोस्ट ऑफ एस जो है पोस्ट ऑफ एस एल्स के साथ लगेगा. विद एनी बॉडी एल्स या सम बॉडी एल्स पे यहां पे हम किसके साथ यूज करते हैं? एल्स के साथ. तो आई लाइक योर सजेशन एंड नो बॉडी एल्स. Last question for this series. Hardly we had reached the platform when the train started. तो कौन से पार्ट में आंसर है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2. We had reached में आंसर है. क्यों है? Hardly is followed by had and third form of verb. तो प्रॉपर वे क्या है? Hardly had we reached the platform when the train started. तो ये करेक्ट सेंटेंस है. तो आई होप आपने ये सीरीज को अच्छे से देख लिया. तो और भी 3 सीरीज हैं, इससे आपकी ग्रामर में कोई भी डाउट होगा वो क्लियर होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.